हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैंने 2 से 3 घंटे के लिए साबूदाना भिगो के रखा था। देखिए ये अच्छी तरह से दब जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा मूंगफली, हरी मिर्च, उबला हुआ आलू, बाद हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसमें मूंगफली ऐड करेंगे। मूंगफली ऐड करने के बाद इसको सॉटे करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये चीज अच्छे से भून जाए। देखिए ये हमारा मूंगफली तैयार हो गया है, एकदम लाल हो गया, अच्छी तरह से भून गया है। भुनने के बाद इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा ऐड करने के बाद इसको सॉटे करेंगे, ताकि ये अच्छे से भून जाए। भुनने के बाद हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप कितना तीखा खाते हैं उतना मिर्च ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें आलू उबला हुआ और साबूदाना ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मूँगफली ऐड कर देंगे। मूंगफली ऐड करने के बाद सीधा नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे अच्छी तरह से पूरा नमक मिक्स हो जाए। मिक्स इसके बाद हम हरी पत्ती धनिया ऐड कर देंगे। ये धनिया डालने के बाद इसका स्वाद बढ़ जाता है। इसको हम मिक्स कर देंगे धनिया को, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए पूरी। इसको हम चलाते रहेंगे। उसके बाद एक बड़े चम्मच हम घी ऐड कर देंगे ऊपर से। ऊपर से घी डालने के बाद इसका स्वाद और बढ़ जाता है और बहुत मस्त लगता है। देखिए ये हमारा तैयार हो गया साबूदाना की खिचड़ी। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए हमारे सप्ताह